क्या हाल है गाइस, तो फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है। एंड आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस गन का जो कि अमेजोन पे मिलती है, बहुत ही महंगी, और मैंने इसको बाय किया है ऑफलाइन, बट हाँ अमेजोन पे कुछ 2700 से 2500 रुपए की मिलती है। ये गाइस एक ऑटोमेटिक गन है जिसको ऑटो फायर कर सकते हैं, शायद मैं अगर गलत ना हो तो, या फिर इसमें बटन दबाना पड़ेगा बार बार, वो हो सकता है। ठीक है, तो आज इसका टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कैसी निकलेगी ये। बैटरी पावर्ड है, मोटर पावर्ड है, देखेंगे भाई। ठीक है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस अभी। ओके, तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड देख लेते हैं। ठीक है, तो गन कुछ हमको अलग कलर की मिली है, ये वाली नहीं मिली, शायद ये कलर, हाँ ये वाला कलर मिला है हमको, ब्लू कलर। तो पता नहीं भाई कैसी निकलेगी। सबसे पहले मेन इसका गन का जो सिस्टम है, इसी में सब कुछ है गाइस, यहीं पर बैठ इसका कुछ मोटर वाइज सिस्टम है गाइस। ये देखो यहाँ पर कुछ तो होता है इनका, ये देखो वहाँ पर अंदर, वहाँ से गोलियाँ शूट होती हैं सीधी, और जो ये ट्रिगर होता है वो गोलियों को शायद पुश करता है आगे की तरफ। जो भी है, ये ग्रिप है, ये शूटिंग के लिए इसका कुछ तो साइलेंसर, सॉरी साइलेंसर नहीं, ये इसका पार्ट ही है गाइस गन का, वो मिल जाएगा उसमें। ये इसकी मैगजीन है, मैगजीन भी काफ़ी सही है, और ये पीछे की ग्रिप कह सकते हो जो शोल्डर पर लगती है शायद, तो वही है। और ये टेलीस्कोप है जो किसी काम का नहीं है गाइस, बस खाली है, खोखला है। और ये मैगजीन है, मैगजीन में गोलियां कुछ ऐसे डलेंगी, इसमें एरो भी दिखा रखा है तो उसके हिसाब से ही गोलियां डलेंगी, नहीं तो उल्टी डालेंगे तो फंस जाएंगी गोलियां, ये चांसेस रहते हैं। वैसे फंसती तो गोलियां वैसे भी हैं गाइस, मेरे पास है पहले से एक और, वो भी गोलियां फंसती हैं इनके अंदर, क्योंकि ये सॉफ्ट बुलेट्स हैं तो ये नहीं ड्यूरेबल होती इतनी, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। हाँ, जो येलो बुलेट्स वाली गन आती है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है, बट ये भी काफ़ी सही लग रही है मेरे को अभी तक। तो इसको अभी असेंबल करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फिट होगी इसके अंदर, यप ये हो गई फिट। अब इसको खोलने के लिए ये पीछे ये से पुश करने पड़ेंगे तब जाके ये खुलेगा, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखो बैटरी जिसके साथ इंक्लूडेड आती हैं गाइस, यहाँ पर डलेगी लिथियम बैटरी, और ये चार्जर इसका नहीं है क्योंकि चार्जर वाला सीन गुम हो गया भाई साहब से जिससे मैंने खरीदी है, तो कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं। ओके, तो कैसे बंद होगी ये, तो ये देखो ये कुछ ऐसा सीन है इसका माजरा। एंड अब इसको ऐसे करके ऐसे करना है। ओ भाई ये कुछ अजीब सी लग रही है भाई, लेकिन बहुत बड़ी है यार, ये बहुत बड़ी है भाई यार, ये तो रियल गन जितनी बड़ी है। ओके, यहाँ से कुछ अच्छी लग रही है, बाहर से थोड़ी ख़राब थी। ये इसकी मैगजीन है जो कुछ ऐसे फिट होगी, यप ये हो गई है फिट। ये बटन है जिससे मैगजीन को अनलोड कर सकते हैं हम, और वापस डालने के लिए बस ये करना है। ठीक है, बहुत बड़ी गन है यार ये नहीं पता मुझे क्या है, पता नहीं कुछ तो होगा ये भी। ठीक है, अगर ये स्कोप हटा दें तो ये खुल जाएगा यहाँ से, एंड इससे गोलियाँ देख सकते हैं हम यहाँ पर। ये देखो गोलियाँ यहाँ से जाती हैं आगे, तो ये स्कोप कुछ ऐसे आएगा। एंड बची है एक लास्ट ग्रिप, और ये पता नहीं कैसे यूज़ होगी। ठीक है, तो ये जो ग्रिप है अगर हम इस हाथ से पकड़ें तो ये कुछ ऐसे लगेगी ना, या कुछ तो ऐसे लगेगी गाइस, बट ये फिट नहीं हो रही है। इसके अंदर पेच दिया गया है लेकिन वो भी इतना कुछ काम का नहीं है। ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ख़राब है, कोई काम की नहीं है भाई, इसको छोड़ो। अब आ जाते हैं गन के ऊपर एंड टेस्ट करके देख लेते हैं भाई। हाथ में बहुत बड़ी है ये, सच में बहुत बड़ी है। हाँ, तो अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हो कितनी बड़ी है भाई ये मतलब बहुत बड़ी गन है ये। एंड इसको चलाने के लिए यहाँ से हमको ट्रिगर दबाना है, और ये कुछ ऐसे शूट करेगी। ओहो, ये ऑटोमेटिक है भाई ये तो बढ़िया था। ठीक है भाई, तो अभी इसका एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं भाई। ये तो ऑटोमेटिक निकली, मुझे लगा नॉर्मल वाली होगी। ठीक है, मैंने ऑन कर दिया है, थोड़ी आवाज कम आएगी। हम बीच वाले अटैक करते हैं, बीच वाले पे। रुको, छोटे सैनिकों पे अटैक करते हैं। ओ बेटे, ये बढ़िया चीज है यार। ओके, अब ग्लासेस की बारी है, सबसे पहले सबसे ऊपर। वैसे बहुत जल्दी मैगजीन खाली कर देती है भाई, कुछ ही सेकंड्स में। तो मैं बहुत दूर से अटैक करूंगा इसका, लगभग 10 फीट से, एंड 10 नहीं 5 फीट ही होगा शायद। तो
और सारे के सारे ग्लास तोड़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की नहीं मतलब गिराने की, क्योंकि ये बहुत जल्दी मैगजीन ख़त्म कर देती है, 12 गोलियाँ डलती हैं इसके अंदर, तो थोड़ा सा दिक्कत है भाई ये। ओके स्टार्ट। भाई बहुत सही है यार ये, ठीक है भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत सही है। एंड अभी इसका ट्राई करते हैं कैमरे पे शूट करने का। कहाँ गई बे, क्या हुआ? वन मोर ट्राई गाइस। ओ अटक गई, कैमरे पे चिपक गई। अबे ठीक है भाई, अभी ये मेरे से कम 20 फीट दूर हूँ मैं, उस दरवाजे पे अटैक करेंगे और देखेंगे इसका रेंज टेस्ट। ओ भाई रेंज भी बढ़िया बढ़िया है इसकी तो। हाँ तो गाइस ये थी वो गन भाई, बहुत ही शानदार है ये, मतलब इसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो बहुत सही काम करता है, बस एक ही चीज़ की दिक्कत है, वो मैगजीन बहुत जल्दी खाली कर देता भाई। कम से कम बड़ी वाली मैगजीन होनी चाहिए जिसमें 50 गोलियां डल जाए, तो बहुत देर तक चलेगी, धड़ाधड़ 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 मज़ा आ जाएगा उसमें। बट ये तो भाई कुछ 2 सेकंड में ही ख़त्म कर देती है पूरी मैगजीन को, 12 की 12 गोलियों को, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब बहुत जल्दी मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो बड़ी मैगजीन शायद आती है इसकी, वो ख़रीदनी पड़ेगी, तो वो देखते हैं भाई कैसी निकलेगी वो भी। ओके तो अभी के लिए बताओ कैसी लगी गन, एंड हम करते हैं इस वीडियो को एंड। बाय बाय गाइस।